वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू आस्क मी हाउ टू राइट अ नोटिस, व्हाट इज इट्स फॉर्मेट, व्हिच कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सो आई हैव रिटन दिस नोटिस फॉर यू. यू मस्ट सी इट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स क्वेश्चन. फर्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल रायगंज, इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल, विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल रायगंज, ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 15th ऑफ नवंबर. 15 नवंबर से आपके स्कूल का टाइम बदलने जा रहा है, उससे रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है. ठीक है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ विद्यानिकेतन स्कूल, स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज. यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव रीजंस बाई दिस चेंजिंग बी डन. ये चेंज क्यों हो रहा है, ये रीजन भी आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल नेम विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल. ओके, यू कैन राइट दिस नेम इन कैपिटल लेटर्स ऑल्सो और इन रनिंग हैंड्स. कैपिटल लेटर्स में भी, रनिंग हैंड्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल देन नोटिस. ओके, नोटिस इट माइट बी पॉसिबल, नोटिस शुड बी देयर. नोटिस ऊपर हो जाएगा और ये नीचे नाम आपका आ सकता है, स्कूल का नाम. ठीक है, मान रही बंद कर दो. ओके, स्कूल नेम देन नोटिस. आप ऐसा भी कर सकते हैं, नोटिस ऊपर लिख सकते हैं, स्कूल नेम नीचे आ सकता है. स्कूल नेम कैपिटल में भी हो सकता है और इस तरह से भी आपका प्रॉपर स्कूल हो सकता है. नाउ डेट, डेट फॉर्मेट डी ए टी. आई हैव सीन दैट मैनी स्टूडेंट राइट देट डी ए टी डेट. वो नहीं लिखना, आपको सीधा डेट डालना है. 10th नवंबर दिस द डेट. फिक्स और डेफिनेट डेट भी आप डाल सकते हैं, 10th नवंबर 2021 जो भी. नाउ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन एसयूबी और सब्जेक्ट फॉर्मेट. वो नहीं लिखेंगे, सीधा आप लिखेंगे चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स. और एक बात ध्यान रखिएगा, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस लाइन शुड चेंज टेल अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नोटिस. यही लाइन बता देगी किस बारे में आप नोटिस लिखने जा रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सोच समझ के इस लाइन को आपको लिखना है, तो आप इससे पता लग सकता है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स. हमारे स्कूल की टाइमिंग्स चेंज हो रही हैं. ठीक है, रूम करिए तो ये दिखाइए, स्कूल टाइमिंग चेंज हो रही है, उसका ही नोटिस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नोटिस. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर फॉर. ओके, आई हैव टोल्ड यू 3 or 4 टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग लाइंस. इट इज नोटिस टू ऑल द स्टूडेंट्स, इट देयर इज एन इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म. ठीक है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स सेवरल टाइम्स. This is one of the lines out of them. All the students are hereby informed about the change in the school timings from 15th November. Is the date? इसको ऐसे भी लिख सकते थे. All the students are hereby informed that our school timings are going to be changed. ठीक है, from ये इस तरह से लिख सकते थे. The school will now start at 9 a.m. कब शुरू होगा आप स्कूल अपना? 9 a.m. 9 बजे सुबह. एंड और कब एंड होगा? 3 p.m. 9 से 3 की इसकी टाइमिंग्स होगी. ठीक है, इन द पास्ट फ्यू ईयर दिस आर द रीजंस, दिस इज द मेजर रीजंस. ड्यू टू दिस रीजन यू नो स्कूल टाइमिंग हैज बीन चेंज. क्या रीजन है? इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, पिछली सालों में
it has been seen, ये देखा गया है that winters are rather severe, बहुत सर्दी पड़ने लगी है, बहुत सर्दी होती है and it becomes quite difficult to start early, और बहुत मुश्किल हो जाता सुबह उठना, सुबह स्कूल आना, ठीक है। Due to the extreme cold weather, भयंकर सर्दी की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से एंड द डेंस फॉग, और कोहरे की वजह से, घने कोहरे की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से ये टाइमिंग्स चेंज हो रही है, बदल रही है। सो दीज न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस, और जब तक अगला नोटिस नहीं दे दिया जाता ये टाइमिंग्स आपकी रहेगी, तो यहाँ बताया गया। थैंक यू, ठीक है। प्रिंसिपल डेजिग्नेशन, ओके। इफ देर वाज आस्क्ड यू आर हेड बॉय, हेड गर्ल एटसेट्रा, तो वो डेजिग्नेशन आप याद रखें, ओके। इफ नेम वाज गिवन, अगर नाम दिया जाता तो क्या करते, तो आप वो नाम यहाँ पे रखते, ठीक है। अगर बॉय का नाम होता तो आप लोग बॉयज ये नाम रखते, और गर्ल्स का होता तो आप वो नाम यहाँ पर रखते, ओके। And the most important thing you must know, my dear students, notice is included box. I've seen many students do not enclose the notice in the box. Box is very important. Without box, your notice is null and void. Okay? So now see it clearly. It is clearly visible. Just see it. Okay, this is the valid format, like this format you are supposed to draw it and write an effective notice. Now I am going to give you another notice. This is your homework, you are supposed to complete to write this notice at your home, and tomorrow I will check this notice, okay. And it would be better if you put your own lines that I have told you. स्टार्टिंग लाइन्स, एंडिंग लाइन्स, वेन्यू वाला अगर ये मैं नेक्स्ट दूंगा तो टाइम, वेन्यू, ठीक है, डेट, तो आप बीच में भी उसको लिख सकते हैं, वो वाला भी आपको मैं नोटिस दूंगा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, क्लियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।